आज है 13/11/57 की लोकसभा का दूसरा संगली जी की प्राप्ति और की प्रारंभ का अनुभव करो। मास्टर दाता महासंयोगी आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगमी जी श्रेष्ठ आत्माओं का। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो बाप दादा, हरेक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो, नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लग्न लवलीन रहने वाले की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। तो कितना बड़ा भाग्य है, भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वो स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दी है तो लकीर खींचना आती है, खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है। कहा हाँ जी बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। अब के संगम युग के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है या पूरे कल्प की बनती है? 21 जन्म की प्रारब्ध तो अभी के पुरुषार्थ से बनती ही है, लेकिन आत्मा के अंदर जो पुरुषार्थ के संस्कार भर जाते हैं, तीव्रता या मध्यम या सहज सहज पुरुषार्थ करने के, वो पुरुषार्थ के संस्कार वहाँ द्वापर और कलयुग में भी रहते हैं, यहाँ सूट हो जाते हैं। तो 21 जन्मों के आधार पर ही 63 जन्मों का भी हिसाब बना हुआ है। इसलिए बोला कि द्वापर और कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। कैसे बाप की रेखा है? अविनाशी बाप की। विनाशी बाप और विनाशी बाप है? अविनाशी बाप किसे कहें और विनाशी बाप किसे कहें? लौकिक बाप को क्या कहेंगे? विनाशी बाप एक जन्म का बाप है, और अविनाशी बाप अलौकिक बाप जो संगम युग में ही सिर्फ होता है। अविनाशी बाप कौन हुआ? शिव बाप। शिव बाप नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो सिर्फ 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आता है, और विनाश होने के बाद वापस फिर परम धाम। तो सृष्टि पर विनाशी और अविनाशी कहा जाता है ना? 5000 वर्ष के चक्र में विनाशी अविनाशी होने की बात है ना? तो सृष्टि का जो बीज है
प्रजापिता, वो शक्ति पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, जिसमें वो सुप्रीम सोल सबसे पहले प्रवेश करता है और मुकर्रर रथ के रूप में अंत तक पार्ट बजाता है। उसके लिए बोला, इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है और कभी मर्ज हो जाती है, अथवा सदा ही इमर्ज रहती है। बात में कम हाथ उठाए रहे हो, देखना सदा ही इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ शेष भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती है। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज होनी चाहिए? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध के रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चलना चाहिए, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं करेंगे। भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज, वो तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वो तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। किस समय का प्रारब्ध? संगम युग का। ऐसे नहीं कोई पूछता कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते हो कि पुरुषार्थ चल रहा है? कहते हो ना, पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वो प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्ति। ये अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप इस बात का विशेष अनुभव करो। दूसरा पेज, जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो करके पूर्ण होना चाहिए। करके दिखाएं क्यों? दिखाओ, अब कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो, बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर ले तो ऐसा हो, ये बदल जाए तो मैं बदलूं, ये भी लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं हैं।
ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। तो मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दल बनो, देते रहो। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अभी जो जमा किया है वो दो। आपस में ब्राह्मण आत्मा भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं, नहीं मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है, है तो देते क्यों नहीं हो? अपने के लिए छिपा करके रखा है क्या? जब सर्व खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, ये नहीं सोचो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते हैं। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकती रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वो तो दादियों की हुई। तो आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली किसकी हुई? सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं हो? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। कौन? जो है जो ब्रह्मा बाप इसके साथ साथ, अकेले ब्रह्मा के साथ नहीं, ब्रह्मा और बाप के साथ साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा हो। तो ब्रह्मा और बाप यज्ञ के आदि में थे या नहीं थे? यज्ञ के आदि में भी थे। माता पिता दोनों आदि में ही है। तो उनके साथ स्थापना के कार्य की निमित्त आत्माएं जो भी हैं, उन सब की ये डायमंड जुबली हुई आत्मा की बात है, यह सिर्फ शरीर की बात है। आदि में जो शरीरधारी आत्माएं थी, यज्ञ को छोड़ करके चली गई, फिर दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आ गई, तो उनका पिछले जन्म का पुरुषार्थ इस जन्म में ऐड होगा या नहीं होगा? ऐड होगा। तो आज स्थापना से लेकर के अब अंत तक जो भी 7 साल हुए, उनके आप निमित्त आत्मा हो। ब्रह्मा बाप के साथ साथ निमित्त आत्मा हो, वही ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाए सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना, हम तो अभी नए नए आए हैं, तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है
तो छोटों को नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं कहा जाता है। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना तो है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा, महादाता और महासहयोगी बनो। अभी एक साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति के प्रमाण, ड्रामा के नियम के प्रमाण, अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। क्या अवस्था आने वाली है, बोल बोल से परे की अवस्था, माना सेवा भी फिर कैसा रूप धारण करेगी। मनसा सेवा चलेगी या वाचा की ही सेवा चलती रहेगी। जब वाणी से परे हो जाएंगे तो मनसा सेवा शुरू होगी तीव्र गति से। तो आप सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है, जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तब तो भाग करके आए हो ना। देखो बेहद के हाल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। कैसे हाल में, बेहद के हाल में। बेहद का हाल और हद का हाल क्या होता है। तीसरा पेज 13-11-97 के भगवान, ये हाल अच्छा लगता है ना या दूर लगता है। देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। कौन, बाप दादा बेहद के हाल में जो बच्चे बहुत दूर बैठे हुए हैं उनको अति समीप देख रहे हैं। कौन बहुत दूर बैठे हुए हैं, बेहद का हाल और हद का हाल क्या होता है। जैसे हद का ज्ञान सरोवर ऊंचों का, उसको ज्ञान का सरोवर कहेंगे। ज्ञान का जल उसमें भरा हुआ रहता है क्या, ज्ञान सरोवर और ईंटों का ज्ञान सरोवर, तो हद और बेहद दो हो गए ना। ज्ञान सरोवर ज्ञान से भरपूर, ऐसे ही जो हाल बना है बड़ा, जहाँ ये सभा लगी हुई है उस हाल के लिए बोला, बहुत बड़ा हाल बनाया हुआ है। तो ईंटों का हद का हाल हुआ, और बाप दादा कहाँ है। बाप दादा तो सदैव मन बुद्धि से बेहद के हाल में है, जहाँ बेहद के बच्चे बैठे हुए हैं, बेहद अव्यक्त स्थिति में विराजमान है, मनन चिंतन मंथन की स्थिति में। इसलिए बोला कि ये हाल सदा अच्छा लगता है ना, ये दूर लगता है, तो दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। मन जो बच्चे नजदीक नहीं है स्थूल में, लेकिन बाप दादा की नजरें उनको अति समीप देख रही हैं, दूर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। क्या, बाप दादा के दिल की स्क्रीन। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो, ऐसे समझते हो। कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो, दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा है, पुल पीछे तक भरा हुआ है,
या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है, बहुत खाली नहीं है, सारा नहीं, थोड़ा खाली है, माने कुछ बच्चे अभी और आने वाले हैं जिनके लिए जगह है। कौन से बच्चों के लिए बोला? दूर वाले बच्चों के लिए या नजदीक वालों के लिए? है दूर वाले, देखो दिल से तो नजदीक हैं, लेकिन स्थूल में दूर हैं। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? कोई ने कहा क्रोध मुक्त होने का, आज वो नहीं पूछेंगे। पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल से कष्ट हो जाएंगे। माना तो वाक्य से क्या साबित हुआ कि बच्चे क्रोध मुक्त बने हैं या नहीं बने हैं? नहीं बने हैं, क्योंकि बाप दादा को रिजल्ट का पता है। आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे हैं? पूछेंगे तो, लेकिन रिजल्ट कहाँ से मंगाएंगे? वहां से रिजल्ट मंगाएंगे, आप छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, कितने तैयार करके दिखाओ? 9 लाख। 9 लाख के मुखिया कौन होंगे? नौ लाख में कितनी डायनेस्टी समाई हुई है? एक संगमी की लक्ष्मी नारायण और दूसरी सती की लक्ष्मी नारायण। तो जो संगमी की लक्ष्मी नारायण और सती की लक्ष्मी नारायण दोनों को मिला करके 9 लाख हुए, 9,16,108, तो उनकी प्रजा तैयार की है, माने जन्म देने वाले और जन्म लेने वाले दोनों की प्रजा वो तैयार हो गई है। प्रजा कब तैयार होगी? पहले राजा तैयार होगा तब प्रजा तैयार होगा, या पहले ही प्रजा तैयार हो जाएगी? पहले राजा और राज परिवार प्रत्यक्ष होगा या प्रजा प्रत्यक्ष हो जाएगी? पहले राजा प्रत्यक्ष होंगे, फिर राज परिवार प्रत्यक्ष होगा, फिर प्रजा प्रत्यक्ष होगी। तो पूछा 9 लाख तैयार करके दिखाओ, ये काम दिया था, याद है? हर जोन को कहा था तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। चुप हैं, बोलते नहीं हैं। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन्स ने मिलकर के, देश विदेश वालों ने मिलकर के 9 लाख तैयार किए हैं। ज्ञान में क्या समझाया जाता है कि जो एक बार आकर के प्रदर्शनी भी देख जाता है, ज्ञान थोड़ा कान में पड़ जाता है, दिल से थोड़ा भी धारण करता है, भले पुरुषार्थ नहीं करता है, तो भी प्रजा प्रजा तो बन जाती है। लेकिन यहाँ क्या साबित होता है कि वो जो प्रजा बनी, जो बात कही, वो संपन्न प्रजा की बात नहीं कही। कौन सी प्रजा बन जाती है? सतयुग और त्रेता की कोई भी प्रकार की प्रजा बन जाती है, जो फर्स्ट डायनेस्टी की असली प्रजा है वो तैयार नहीं होती। उस प्रजा की बात बाबा अभी कर रहे हैं।
तो सब जोन्स ने मिलकर, देश विदेश ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ, 9 लाख है। तो ऐसे तो ब्राह्मण संघ भी दुनिया में प्रदर्शनी करके, मेले मलाखड़े करके, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करके, सम्मेलन करके, बड़े बड़े भाषण के प्रोग्राम करके कितनी प्रजा को संदेश दिया होगा, करोड़ों की अंदाज में या लाखों की अंदाज में है? करोड़ों की अंदाज में प्रजा को संदेश दिया जा चुका है। उस प्रजा की बात नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी प्रजा की बात कर रहे हैं है? फर्स्ट डायनेस्टी की प्रजा, क्योंकि बाप दादा कभी अधूरा लक्ष्य नहीं देते हैं। प्रजा भी बननी है तो कौन सी जन्म की प्रजा बनना चाहिए, 16 कला संपूर्ण या अधूरा? 16 कला संपूर्ण, क्योंकि वो ही सच्चे देवताएं हैं। बाप दादा तो देवता बनाने आया है मनुष्य से, देवता बनने की पढ़ाई है, तो कौन सी प्रजा की बात करेगा? फर्स्ट क्लास प्रजा की बात करेंगे ना। तो विदेशियों से पूछा, 9 लाख हैं, बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं, बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं, आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो, ये हाल कब तक बनेगा? फंक्शन कब होगा? ये डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी डेट कौन सी होगी, किसकी है? 9 लाख प्रजा बनाने की डेट वो फिक्स है, विनाश के अंत में या पहले क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट है, कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है, या ये भी बाप करे? करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के इंड में हो जाए तो भी अच्छा, क्या है, क्या हो जाए, 9 लाख प्रजा इस सीजन के अंत तक तैयार हो जाए तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। जो रॉयल फैमिली के होते हैं उनका हाथ भीख मांगने वाला ऐसा होता है या ऐसा होता है? जो रॉयल होगा वो कभी भी मांगने वाला स्वभाव का नहीं होगा। और हम किसके बच्चे हैं है? हम तो ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो बोला सिर्फ दाता बन जाओ, अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपको रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बने, आपकी प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना, क्या देरी बताई? इंतजार कौन कर रहे हैं? जो प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं, पहले जन्म की फर्स्ट क्लास प्रजा, उनके लिए बोला इंतजार कर रहे हैं कि हमको हमारे राजा कब स्वीकार करें प्रजा के रूप में।
लेकिन देरी क्या है? सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। के लिए बोला, पी के लिए बोला या पीबी के लिए बोला? कि दोनों में ऐसे लोग मौजूद हैं, है तो दोनों में, क्योंकि बीज में नहीं होंगे तो आधार मूर्ति में कहां से आवेंगे। तो ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, या विश्व कल्याण के प्रति लगाते हो? अपने अपने सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो क्या? अभी महान दाता बन, देहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, देहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है या सिर्फ जॉन के व अपने अपने ड्यूटीज की सर्किल के राजा बनना है? विश्व कल्याणकारी हो, अभी बेहद में जाओ, बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत शेष बल है, उसको यूज नहीं करते। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। मनोबल कैसा? संकुचित हो या विस्तार वाला हो? सिर्फ अपने अपने जोन तक सीमित हो, अपने सेंटर्स की सेवा के प्रति सीमित हो, या अपने देश तक सीमित हो, या विश्व सेवा के प्रति फैला हुआ हो? अब उस मनोबल को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? जब संकुचित भावना को त्यागेंगे तो बढ़ेगा। तो बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वो सेवा अभी मनोबल से करो। तो मनोबल की, बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंची स्थिति में स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी ये सेवा की, तो आपको आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिल जाएगी। आजकल के समय और सर्कमस्टांसेस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। ये अभ्यास साथ साथ करते चलो, चाय के साथ साथ, वाणी की सेवा के साथ और संबंध संपर्क अथवा कोई भी कर्मणा सेवा के साथ ये मनसा सेवा का अभ्यास करते चलो। माना एकदम करने से नहीं होगा, हम वाचा कर्मणा बिल्कुल छोड़ दें और सीधा मनसा सेवा में लग जाएं, तो नहीं होगा। क्योंकि मनसा को जितना एकाग्रता में कितने की प्रैक्टिस होगी, उतनी ही मनसा सेवा कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए बोला कि साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आज ने बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया था। क्या रंगत दिखाएगी? किस तरफ इशारा दिया? आज ने क्या हुआ था?
बाद में साक्षात्कार होते थे घर बैठे। सफेद को उसका साक्षात्कार किया और साथ ही साथ कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार किया और सत्संग में खींचे हुए चले आते थे। ऐसे अंत में क्या साक्षात्कार होगा? तो जो आज में मन का सेवा चली वही रंगत अब देखने में आवेगी। कैसे आवेगी? आज में बाप की मंशा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया था और मंशा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्मा अब भी फाउंडेशन के रूप में है। रामानुसार ये बाप की मंशा आकर्षण का सबूत है। वो अभी तक कितने पक्के हैं? तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी मनसा आकर्षण वाली आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वो समय अनुसार समय कम मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आज में ब्रह्मा बाप को साधारण न देव कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे, साक्षात्कार अलग चीज है लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण ही देखते थे, खाते पीते चलते थे, ऐसा हुआ था ना? तो इस स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वो समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, वही पूजीपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप कहता आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। तो अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ बाप को भी प्रत्यक्ष होना है। बच्चे साकार में है या आकारी निराकारी है? सिर्फ साकार में है तो बाप भी कैसे होगा? जरूर बाप भी अकेला नहीं होगा प्रत्यक्ष, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि विरोधी क्या है? फादर सोर्स सन और सन सोर्स फादर। तो अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी मोटी बातों को, अभी ऊंची स्टेज में चले जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और दूसरों को भी कराओ, समझा? अभी सभी अपने अनाज स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो उसका अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ टाइम में टिक जाए। आत्मिक स्थिति में, बाप की याद में, निसंकल्प की स्टेज में, मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस में टिक जाओ। तभी आराम से रह रहे हो, ये शांतिवन अच्छा लगता है, सभी को पसंद है,
डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है, वह पदम गुना नशा है। फॉरेन में तो सुन रहे हैं ना, अभी तो सभी देशों में सुन रहे हैं। उनका सैटेलाइट इंटरनेट द्वारा 50 से भी अधिक देशों में डायरेक्ट बाप दादा की मुरली सभी सुन रहे हैं। देखो, फॉरेन की इन्वेंशन फॉरेन में ही पहले काम आती है। बाप दादा को खुशी है कि फॉरेन वाले बाप दादा को प्रत्यक्ष करने में सहयोगी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। दिमाग अच्छा चलाते हैं, इन्वेंशन अच्छी निकालते हैं, इसलिए पहला चांस उन्हों को ही मिला हुआ है। इस बात का बाप की प्रत्यक्षता का पहला चांस विदेशियों को मिला हुआ है। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो जो भी अपने अपने देश में सुन रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों के इस हाल में फरिश्तों के रूप में हाजिर और नाजिर देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? बाप दादा किस हाल में देख रहे हैं? अरे हद के हाल में या बेहद के हाल में? बेहद के हाल में। बेहद का हाल वो सीमा में है या असीम, सारी दुनिया में फैला हुआ है? जो अव्यक्त स्टेज में रहने वाले अव्यक्त वतनवासी बच्चे हैं, जो फरिश्ताई स्टेज को पकड़ने वाले बच्चे हैं, मनसा सेवा की स्टेज को पकड़ने वाले बच्चे हैं, वो हद के हाल में होंगे या बेहद के हाल में होंगे? तो बाप दादा सभी बच्चों को इस हाल में फरिश्तों के रूप में हाजिर और नाजिर देख रहे हैं। नाजिर माने क्या? नजर के सामने देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि आबू रोड में जो हाल बना है उसमें सारे फरिश्ते इकट्ठे हो गए हैं, उस तरफ इशारा नहीं किया, पहले ही बता दिया बेहद के हाल में। तो बाप दादा सभी बच्चों को इसे बेहद के हाल में फरिश्तों के रूप में, किसके रूप में, किस रूप में? फरिश्ता मन किसका? इस फर्ज की दुनिया वालों से कोई देह का रिश्ता नहीं, उनको कहा फरिश्ता। कैसा देख रहे हैं? हाजिर भी देख रहे हैं और नाजिर भी देख रहे हैं, माना फरिश्ते भी नजरों से दिखाई देते हैं क्या? इन नजरों से दिखाई देते हैं फरिश्ते? वो फरिश्ते साकार शरीर वाले हैं या सिर्फ आकारी हैं? साकार शरीर तो है लेकिन मनोबुद्धि की स्टेज कैसी है? मनोबुद्धि की स्टेज आकारी है। तो ऐसी आकारी स्टेज वाले फरिश्तों को नजर से देख रहे हैं, ये डबल सभा देख रहे हैं। क्या हाल भी कैसा हुआ? डबल हाल है या सिंगल हाल है? डबल कौन सा? हद का हाल और बेहद का हाल, दोनों ही देख रहे हैं। और सभा भी कैसी देख रहे हैं? हद की सभा और बेहद की सभा देख रहे हैं, ये डबल सभा देख रहे हैं। एक साकार और दूसरी फरिश्तों की सभा। क्लियर हुआ? साकार सभा कहाँ लगी हुई है?
जहाँ गुलजार दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा प्रवेश होकर की ये वाणी बोल रहे हैं, वहाँ साकारियों की सभा लगी हुई है। वो हद का हाल हुआ। और बेहद का हाल कौन सा हुआ? जो बच्चे अव्यक्त स्टेज में टिके हुए हैं, परिस्थाई स्टेज में टिके हुए हैं और बाप दादा की तरफ उनकी नजरें लगी हुई है अव्यक्त स्टेज में, उनको नजर के सामने बाप दादा इमर्ज करके देख रहे हैं। भारत में भी चारों ओर के बच्चे इस समय फरिश्ते रूप में शांतिवन में पहुंच गए। देखे बच्चे भी पहुंच गए और बेहद की स्टेज में टिकने वाले बच्चे भी पहुंच गए। बेहद की स्टेज में टिकने वाले बच्चे कैसे पहुंचेंगे? ट्रेन से या बस से? हाँ, मनसा में जो संकल्पों की ट्रेन चलती है उस ट्रेन के जरिए बाप दादा के सामने पहुंच गए, नाजिर हो गए, हाजिर हो गए। तो सभी बच्चों को साकार रूपधारी बच्चों से पहले क्या सभी बच्चों को चाहे साकार रूपधारी चाहे अव्यक्त रूपधारी बच्चे जो बाप दादा के सामने पहुंचे हैं मन बुद्धि से, उन सभी प्रकार के बच्चों को साकार रूपधारी बच्चों से पहले अखूट याद प्यार दे रहे हैं। एक हद का हाल, बेहद का हाल। एक साकारी बच्चे और एक आकारी स्टेज में टिकने वाले बेहद के बच्चे, तो पहले किसको याद कर दे रहे? जो बेहद के आकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं उनको साकार रूपधारी बच्चों से पहले अखूट याद कर दे रहे। माना साकार रूप में गुलजार दादी के सामने जो बैठे हुए हैं उनको याद कर नहीं, लेकिन जो अव्यक्त स्टेज में टिकने वाले एडवांस पार्टी के बच्चे हैं उनकी तरफ इशारा है। सारी वाणी किन के लिए? चलिए एडवांस पार्टी के लिए। बाप दादा देख रहे हैं कि कोने कोने से बच्चे शांतिवन निवासी बन अव्यक्त अनुभव का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा साधन मिला है। कौन सा साधन? और सदा साधन और साधना दोनों को साथ रखना। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम की सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। ईस्टर्न और तमिलनाडु के सेवाधारियों के प्रति, ईस्टर्न जोन व तमिलनाडु दोनों ने मिलकर के अपने उमंग उत्साह से एक दो के सहयोग से एक दो को आगे रखते हुए जो पार्ट बजाया वो बहुत अच्छा किया। ये संगठन बहुत शक्ति देता है। सभी की अंगुली से सेवा की सफलता सहज ही हो जाती है। तो आप सभी जो भी ईस्टर्न व तमिलनाडु के भाई और बहन सेवा में आए हैं, सभी ने जो सहयोग की शक्ति यूज करके सभी को जो शांति और शक्ति का अनुभव कराया, स्नेह का अनुभव कराया, वो बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। इसलिए सभी की तरफ से बाप दादा ने मुबारक दी। अच्छा, ओम।